नमस्कार। फिल्में ही भाषा के कदम को आगे बढ़ाती हैं। आज अगर हम किसी भाषा को जान रहे पहचान रहे तो फिल्मों के माध्यम से जान रहे। मध्य प्रदेश के सिनेमा घरों में बघेली फिल्म बुधिया मचाएगी धमाल। शासन प्रशासन की उपस्थिति में हुआ ट्रेलर रिलीज, दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिला है। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। अन्य क्षेत्रीय बोलियों की तरह अब बघेली बोली को भी बड़े फिल्म पर्दों पर देखने को मिलेगा। आज कलेक्टर SP व स्थानीय विधायक ने बघेली फीचर फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया। बघेली एक्टर अविनाश तिवारी ने बताया कि 12 नवंबर को यह बघेली फीचर फिल्म बुधिया रीवा समेत समूचे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सिनेमा घरों में दिखाई जाएगी। बघेली एक्टर अविनाश तिवारी की बघेली फीचर फिल्म बुधिया बघेली भाषा की पहली फिल्म होगी जिसका प्रस्तुतीकरण नारी सशक्तिकरण के विषय पर जोरदार तरीके से किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम को भी समर्पित फिल्म है। इसमें एक्टर अविनाश तिवारी के साथ अन्नपूर्णा द्विवेदी, रिया तिवारी, शैलेन दत्त तिवारी, नवीन तिवारी, सुखदेव सिंह, ब्रजेश शुक्ला एवं वेंकटेश सिंह है। इस फिल्म में गायक अभिषेक रसिक, प्रकाश तिवारी मधुर और शैलेन तिवारी दत्त। ट्रेलर को देखकर दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान दिखी है और मन में काफी उत्साह है। फिल्म 12 नवंबर को मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। नमस्कार। फिल्में ही भाषा के कदम को आगे बढ़ाती हैं। आज अगर हम किसी भाषा को जान रहे पहचान रहे तो फिल्मों के माध्यम से जान रहे हैं। उसी तर्ज पर हम सभी कलाकारों ने मिलकर एक बघेली फिल्म का निर्माण किया है, बुधिया। जी हाँ, बघेली की पहली फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड ने पास किया है और हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। हम आप सबसे अपील करते हैं कि आप सब कोई बघेली बोली को बढ़ाने के लिए इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूरे परिवार के साथ देखें ताकि हमारे बघेली बोली का एक बड़े स्तर में स्थान मिल सके। 12 नवंबर को फिल्म आपके नज़दीकी सिनेमाघर में रिलीज हो रही पूरे MP और छत्तीसगढ़ में। तो बघेली पसंद करने वाले हैं, आपसे ये अपील है कि आप फिल्म देखने